वेलकम बैक व्यूअर्स। अब जैसा कि हमने कंप्लीट कर दिया है इस सिंपल लेआउट को, अब हम क्या करेंगे जनाब कि थोड़ा सा पीएचपी का डायनामिक काम करते हैं, और वो ये कि इस लेआउट को हम एक टेम्पलेट बनाते हैं। बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये जो हमारे पास इंडेक्स डॉट पीएचपी का पेज है, ये काफ़ी इसमें कोडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, आप देख सकते हैं, तो काफ़ी वो हो गया है, हैवी हो गया है। तो इसको हम सिंपल अगर बनाना चाहें तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इस पेज के तीन हिस्से कर देंगे, तीन डिफरेंट पेजेस बना देंगे, एक हेडर होगा, एक कंटेंट होगा और एक फुटर होगा, और उसको हम यहाँ पर लिंक कर देंगे पीएचपी की मदद से डायनामिकली। जैसे कि हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था, जब हम फोल्डर्स क्रिएट कर रहे थे तो एक फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया था टेम्पलेट के नाम से, इसमें हम सेव करेंगे इन तमाम फाइल्स को। तो सिंपली क्या करते हैं, एक न्यू पेज न्यू फाइल ओपन करते हैं कंट्रोल एन करके, और यहाँ से इंडेक्स वाला जो पेज है इससे इस टॉप से लेके जो टॉप है अपना, ये अपना मेरा डॉक्यूमेंट जो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लेके जो ये हेडर रेपर एंड होता है, ठीक है, ये कोड हम यहाँ से काट देते हैं कंट्रोल एक्स करके। तो इसको मैंने काट दिया और इसको मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा इस न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है जी, वेरी सिंपल। अब इसको सिंपली कंट्रोल एस करके सेव कर दूँगा मैं टेम्पलेट के अंदर जाके, और टेम्पलेट के अंदर जाके इसको मैं नेम दे दूँगा हेडर डॉट पी एच पी, दैट्स इट। अब कंट्रोल एस करते हैं, इसको सेव करते हैं, जब हम इस लेआउट पे आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, हेडर डॉट पी एच पी, अच्छा हमने सेव नहीं किया हुआ है बेसिकली इंडेक्स को। तो कंट्रोल एस करके हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद जब हम आएंगे इधर से क्लिक करेंगे तो वो सारा कुछ गायब हो जाएगा, ठीक है, और उस सारे के साथ साथ जो सीएसएस का स्टाइल था वो भी गायब हो गया क्योंकि वो हेडर के अंदर मौजूद है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये कोड उठा के जो कंटेंट एरिया जहाँ पे एंड होता है यहाँ तक, इसको हम काट देते हैं, ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा कोड रह गया। अब कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल खोलते हैं, उसमें पेस्ट कर देते हैं इसको, और कंट्रोल एस करके इसको सेव करते हैं टेम्पलेट के अंदर ही, और इसको नाम दे देते हैं कंटेंट डॉट पी एच पी, सिंपल, ये हो गया जनाब। अब अगर हम इंडेक्स डॉट पी एच पी को अगेन कंट्रोल एस करके सेव करें और यहाँ पर रिफ्रेश करें तो कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ थोड़ा सा टेक्स्ट है ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम, क्योंकि स्टाइल तो पहले ही चला गया है। अब इस बाकी जो रह गया है फुटर जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पर एंड होता है, बल्कि एंड एच टी एम एल तक, इसको भी काट देते हैं और एक न्यू फाइल ओपन करते हैं और इसमें पेस्ट करके इसको कंट्रोल एस करके टेम्पलेट के अंदर इसको नाम दे देते हैं फुटर डॉट पी एच पी। तो हमारे पास तीन फाइल्स हो जाएंगी, कंटेंट और हेडर डॉट पी एच पी और फुटर डॉट पी एच पी, दैट्स इट। अब वापस जब हम आते हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी में तो ये बिल्कुल खाली है। अब सिंपली हमने क्या करना है कि एक पी एच पी का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग जो है स्टार्ट करना है, और सिंपली पी एच पी का एक फंक्शन है जिसका नाम है इंक्लूड, ठीक है जी, इंक्लूड को यूज़ करते हुए हम ये पेजेस इंक्लूड करते हैं। तो पेजेस कहाँ पड़े हैं, टेम्पलेट का एक फोल्डर है, फिर बैक स्लैश लगाते हैं, वहाँ पर हमारा एक पेज है हेडर डॉट पी एच पी, ठीक है जी, दैट्स इट, वेरी सिंपल। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे और इस एक लाइन के कोड की मदद से हमारे पास हेडर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो हेडर हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं और नीचे दो बार पेस्ट करते हैं तो तीन लाइंस में हमारे पास ये इंडेक्स का पेज जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे कि हम लिख देंगे कंटेंट डॉट पी एच पी और नीचे वाले में लिख देंगे फुटर डॉट पी एच पी, तो ये हमारा टेम्पलेट यहाँ पर आ गया है। अब देखिए इतनी लंबी कोडिंग थी और उसको हमने सिर्फ तीन लाइंस में यहाँ पर इंडेक्स डॉट पी एच पी के अंदर पेस्ट कर दिया, तो दैट्स मीन कि ये पी एच पी की जो है खूबसूरती है कि उसमें आप किसी भी किस्म का काम डायनामिकली कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट बेसिकली अभी डायनामिक हो गया है क्योंकि डिफरेंट पेजेस में पड़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ से पी एच पी की मदद से उसको एक कर रहे हैं। तो अब मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, तीन वो मैंने वो ऐड कर ली है, और अब आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वही चीज़ हमारे सामने आ गई है, देखें सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं है, हालांकि यहाँ पे सिर्फ तीन वो है लाइंस है। तो ये हमने कर लिया, सिंपल सा काम था, तो जस्ट आपको आइडिया देना था कि इस तरह भी आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं इसमें। अब इसके बाद क्या करना है हमने कि हमने अब सबसे पहले ये जो साइनअप फॉर्म है इसमें डेटा इंसर्ट करना है बेसिकली डेटाबेस के अंदर, लेकिन उससे पहले हम एक डेटाबेस बनाएंगे और उसमें कुछ टेबल्स बनाएंगे जो कि शुरू में मैंने आपको कहा था।
तो जो ज़रूरी टेबल्स होंगे वो हम बना लेंगे, उसके बाद जो भी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आगे हम उसमें और भी टेबल्स बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये डेटा इंसर्ट करते हैं पीएचपी की मदद से, उसके बाद जो है हम फिर लॉगिन पर काम करेंगे, और ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट राउंड पर चले जाएंगे।